सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि युवाओं बहनों समेत पूरे प्रदेश का भरोसा उनके पिता पर है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार ने सिर्फ डेवलपमेंट के काम नहीं किए, जबकि विपक्ष हमेशा भगवान राम पर सवाल उठाते हुए भी तुष्टिकरण की सियासत करती रही है। हमें इस वक्त मध्य प्रदेश के बुद्धि में और हमारे साथ हैं शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और हम उनसे बात करते हैं। कार्तिकेय, क्या माहौल दिख रहा है? युवाओं की तो भारी टीम मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मेरे ग्राम जैत में आपका स्वागत है अनुराग जी, और निश्चित रूप से माहौल मध्य प्रदेश में लाडलियों का है, माहौल युवाओं का है, माहौल परिवार का है। और परिवार मतलब गांधी परिवार नहीं, परिवार मतलब माननीय शिवराज जी का परिवार, माननीय मोदी जी का परिवार, जो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ बहने हैं, इस परिवार का माहौल है और ये परिवार जीतेगा। शिवराज जी सब नामांकन करने आते हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 माह से नामांकन करने के बाद चले आते हैं, जिम्मेदारी आप उठाते हैं, तमाम लोग मैनेज हो जाता है बिना उस नेता के जिसके नाम पे चेहरा चुनाव लड़ा जा रहा है उसके बिना उपस्थिति? ध्यान से देखिए, हम सबके चेहरे शिवराज जी हैं और हम सब शिवराज जी हैं। हम सब यहीं पर बच्चा शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ता है, और जब जनता ही चुनाव प्रत्याशी बन के लड़ रही है तो जीत एक तरफा होती है। तो क्या मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको जो लगता है जिनके दम पर वोट डाले जाएंगे और वोट आपके पक्ष में डाले जाना चाहिए? सभी वर्गों के लिए पार्टी ने काम किया है। 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो शुरुआत हमने बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ करी। अब स्थिति बेहतर हुई तो सोशल अपलिफ्टमेंट की कई स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, बुजुर्गों के लिए इतनी यूनिक योजना जो दूसरे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य आज कह रहे हैं कि उन्होंने भी इससे उदाहरण लेते हुए इसको लागू किया है, जैसे तीर्थ दर्शन योजना। तो कोई भी वर्ग नहीं है, किसान सम्मान निधि किसानों के लिए 2700 रुपये समर्थन मूल्य गेहूं पर, 3100 रुपये धान पर। तो ये सारे मुद्दे जब अपन देखते हैं तो 360 डिग्री काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, साहब ने किया, और उसके आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। लाडली बहना क्या लगता है आपको, गेम चेंज कर रही है आपका? आप ग्राउंड से गेम चेंज हो चुका है, और लाडली बहना विडंबना ये है कि लाडली बहना को अकेले देखा जाता है। लाडली बहना योजना तो एक बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा है, चाहे लाडली बहना योजना हो या 50% आरक्षण हो स्थानीय निकाय के चुनाव में, 33% आरक्षण एमपी एमएलए के इलेक्शन में जो मोदी जी ने करके दिखाया, उसके बाद लाडली बहना के साथ साथ 30% आरक्षण सरकारी नौकरी, शिक्षक की नौकरी में, वन विभाग को छोड़कर कई नौकरी में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो केवल लाडली बहना योजना नहीं है, महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण हम अगर कहें तो यही है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आगे की लीड देगा और जिताएगा। पर एक बात और आती है कि इतना विकास किया आप बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, बावजूद उसके ये मुद्दा जो है धर्म सनातन पर आ गया, कांग्रेस का आरोप है, आपने राम मंदिर के होर्डिंग्स लगा रखे थे पूरे, तो धार्मिक भावनाएं का उबाल लाकर वोट चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो भगवान प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी राजनीति हमारी राजनीति से तो कई ऊपर उठकर भगवान राम है, हमारी आस्था का विषय है। और ये कांग्रेस की मानसिकता है, इतने सालों से 500 साल लग गए देश में राम मंदिर बनाने में, ना कांग्रेस कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, ना राजा नवाब कर पाए, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है तो कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भगवान राम के होर्डिंग लगे, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भगवान राम का नाम भी लिया जाए, तो दिक्कत वो उन्हें भगवान के नाम से है, हमारी आस्था का विषय, और अपने आस्था को हम धूमधाम से मनाएंगे। ये भगवान राम का देश है, और राम के देश में अगर राम की बात ना हो तो कहाँ होगी फिर। अब आखिरी एकादो सवाल है, पुत्र के नाते जब आप सुनते हो कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज जी घोषणा मशीन है, उन्हें एक्टिंग के लिए भेज देना चाहिए, मुंबई बेरोजगार नहीं रखेंगे, कैसा क्या फील होता है? शुरुआत में तो थोड़ी सी बातें चुपती थी, लेकिन राजनीति में क्या होता है कि समय के साथ साथ चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है। अभी उतनी मोटी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये भी पता है कि विरोधियों का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, और ये खेल तो हर चुनाव के समय आता है और चला जाता है। उसके बाद अगर कोई बचता है तो वो सेवक होता है और जनता होती है, और सेवक जनता की सेवा करता रहता है। एक बार फिर देखना चाहेंगे पापा को 5 बार मुख्यमंत्री? मैं देखना चाहूंगा
कि पार्टी की विचारधारा जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिसके लिए मैं चुनाव में काम किया, ऐसा नहीं।